सो गाइस, ये है ऑल न्यू सुजुकी जिक्सर SF250। इसके चार वेरिएंट आते हैं, एक स्टैंडर्ड, एक आता है इसमें राइड कनेक्ट, एक आता है रेस एडिशन, एक आता है रेस एडिशन राइड कनेक्ट। 2,21,000 रुपये से लेके 2,36,000 रुपये तक इसका प्राइस है। सो जल्दी से एक बार इसका राइड रिव्यू कर लेते हैं कि चलने में भाई ये बाइक है कैसी, और 2,36,000 रुपये अगर हम पे कर रहे हैं इस बाइक के लिए तो क्या वाकई में हमें मज़ा आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट और बाकी बातें होंगी चलते हुए। तो सबसे पहले भाई आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ कि आवाज़ आपको कैसी आने वाली है। हेलमेट को ऊपर करता हूँ सो कुछ ऐसा साउंड आपको उसमें आने वाला है। सो लेट्स राइड। सो भाई पहला गियर काफ़ी अच्छा जाता है। ओ भाई पहला गियर ही 50 टच कर गया। आप रिफाइनमेंट देख रहे हो इंजन की यार, क्या गजब की रिफाइनमेंट है। तो अब सेकंड गियर देखते हैं कहाँ जाता है। 74। सो फर्स्ट गियर में ज़्यादा अच्छी पावर है, उसके बाद जो पावर है वो हल्की सी थोड़ी सी आपको लगेगा कि जल्दी गियर मांग लिया, लेकिन बाइक 250cc के हिसाब से गजब का रिस्पॉन्स कर रही है बाइक। बहुत अच्छी पावर है इस बाइक के अंदर। इसमें आपको 249cc का ऑयल कूल्ड इंजन मिल जाता है जो आपको देता है 26 PS की पावर और 22 Nm का टॉर्क। और भाई बाइक ना बहुत अच्छा परफॉर्म करती है इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ। इसमें आपको 6-speed गियरबॉक्स मिल जाता है और भाई छठे गियर में भी आप देख रहे हैं बहुत जल्दी स्पीड जो है वो 110 तक पहुंच गई। डुअल चैनल ABS है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली कि भाई रुकेगी कैसे। भाई बहुत अच्छी ब्रेकिंग है, बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस है बाइक की। थ्रॉटल रिस्पॉन्स की अगर बात करें तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, स्पेशली फर्स्ट गियर। भाई फर्स्ट गियर की जो रेशो है ना वो बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छी स्पीड अचीव कर लेता है जो उसका फर्स्ट गियर है। 48-50 तक जा रहा था यार, इतनी स्पीड आपको 390 में मिलती है जो कि 400cc की बाइक है और ये 250cc सेगमेंट की बाइक है, लेकिन भाई फर्स्ट गियर काफ़ी इंप्रेसिव है। और भाई रोड कटिंग बड़ी गजब है यार, मतलब मुझे लगता है कि निकल जाएगी बाइक जहाँ मर्जी घुसा दो, बहुत ही ज़्यादा गजब। स्पेशली जो इसके रियर व्यू मिरर है ना भाई, उनमें तो इतना क्लियरली बैक साइड का सब कुछ दिखता है ना कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कट मारने से पहले। राइडिंग पोजीशन की अगर हम बात करें ना तो भाई बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। इसमें आपको 800mm की सीट हाइट मिलने वाली है, और यानी कि अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है 5 feet 5 inches भी है ना तो आप उसको ईजिली राइड कर लेंगे यार। हैंडल बार आपको इसमें क्लिप ऑन मिल जाते हैं, उसी वजह से ना बहुत ही ज़्यादा मतलब आप कॉन्फिडेंटली इस बाइक पर राइड कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। बैठते ही लगता है कि यार बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लुक वाली बाइक पर बैठे हैं, और ऐसा लगता है कि बस यार मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ ना घुसा दो निकाल दो, वही फीलिंग आ रही है। मैं इसको मंदा चला ही नहीं पा रहा, तभी मन करता है कि खींचने का मन कर जा रहा है मुझे इसका। बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव बाइक है यार, और टोटल रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है भाई। ट्रैफिक कटर मास्टर है तो जहाँ मर्जी घुसाओ निकालो। ओहो गजब, ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, नो डाउट आप इसको इजीली संभाल सकते हैं। इसमें आपको चार वेरिएंट मिल जाते हैं। पहला वेरिएंट है इसका स्टैंडर्ड, उसका प्राइस है 2,21,000 रुपये, और इसमें आपको चार जो वेरिएंट मिलने वाले हैं उसमें रेस एडिशन आता है, एक इसमें राइड कनेक्ट आता है, एक इसमें रेस एडिशन राइड कनेक्ट आता है जो भी हम चला रहे हैं। टॉप मॉडल है इसका 2,36,000 रुपये वाला। और इसमें आपको क्या फ़ायदा मिलता है, इसमें आपको 10x10 नेविगेशन मिल जाता है, मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी मिल जाती है, तो तमाम वो लेटेस्ट फीचर मिलने वाले हैं जो आपको एक अच्छी बाइक में मिलते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट इसकी आपकी जो स्टिकरिंग है ना वो सुजुकी 1000 जो आती है इनकी जिक्सर, वो वाली आपको स्टिकरिंग कहीं ना कहीं इसमें आपको मिलने वाली है। सो मज़ा आ जाएगा इसको चला के। पावर के बाद अगर हम बात करें भाई इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, तो इसमें आपको एक LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलने वाला है जो आपको बड़ी बड़ी आपको स्पीड दिखाएगा, गियर इंडिकेटर दिखाएगा, ओडोमीटर दिखा रहा है आपको, ऊपर फ्यूल इंडिकेटर दिखा रहा है, टाइमिंग दिखा रहा है, RPM दिखा रहा है। और जब इसको मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर लेंगे राइड कनेक्ट वाले वेरियंट को, तो आपको ये 10x10 नेविगेशन भी दिखाएगा। इंस्ट्रूमेंट कंसोल और ज़्यादा बेटर हो सकता था, कंपनी अगर कलरफुल देती तो ज़्यादा अच्छा लगता, या फिर थोड़ा सा बड़ा और मतलब TFT होता तो ना कुछ ज़्यादा अच्छी लुक आती, क्योंकि इसके सेगमेंट की जो बाइक्स है ना उन सभी में अब TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल आने लगा है, और यहाँ LCD है तो थोड़ा सा आपको डॉटेड वाला सिस्टम लगता है इसके अंदर, बट ओवरऑल ठीक है, आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये। साउंड काफ़ी अच्छा है। अगर बात करें बाइक के एरोडायनेमिक्स के बारे में तो बाइक काफ़ी अच्छे एरोडायनेमिक्स हैं इसके, और काफ़ी अच्छे से बाइक जो सामने से
विंड आ रही है उसको कट करती है और इसकी जो स्पीड है और परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। इसकी जो विंड स्क्रीन है ना वो आपको थोड़ी छोटी लग सकती है, लग क्या सकती है छोटी है, ये थोड़ी सी और ज़्यादा बड़ी होती है तो झुककर चलाने में ना कुछ इस तरह से मज़ा आ जाता, लेकिन अभी तो हल्का सा आपको विंड ब्लास्ट इसमें सहना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल भाई मुझे बहुत प्यारी लग रही है बाइक यार, मज़ा आ जाता है। बैलेंस देख रहे हैं, हाथ छोड़ देना उसके बाद भी डायरेक्टली चलते रहते सीधे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। खाली रोड होता तो आपको मैं इसमें काफ़ी सारे फीचर्स और दिखाता कि फर्स्ट गियर में कितना जा रही है। सो एक बार यहाँ रोकते हैं, फिर यहाँ से भी एक बार ट्राई करते हैं कि फर्स्ट गियर इसका कितना जाने वाला है। लेट्स चेक 0 to 60। गजब यार, पहला जो गियर है ना वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर लेता है, और भाई ये 250 सीसी इंजन के लिए ना ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है यार। मतलब देख रहे हो यार, पहला गियर 50, मज़ा ही आ गया इसकी परफॉर्मेंस देख के। हालांकि दूसरे गियर का जो रेशियो है वो थोड़ा सा डाउन लगा, वो बस 68 के आसपास उसने इंजन ने मांग लिया गियर, कुछ ऐसा कह सकते हैं उसको। बट ओवरऑल तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है बाइक मुझे अब तक। भाई मज़ा आ जा रहा है चलाने में इसको। ओहो ब्रेक भाई बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, गजब। सो जल्दी से लोकेशन बता दो मैं कहाँ पर हूँ इस बार, कमेंट करके बिना मेट्रो स्टेशन का नाम पढ़े बताने दिए भाई, अब तो लेट हो गए आप। जिन्होंने पता लग गए वो कमेंट में बता दो, थंब अप कर दो। सो यहाँ वेट करते हैं भाई और उसके बाद चलेंगे आगे। और मुझे बताना भाई आपको ये मेरा छोटा सा प्यारा सा राइड रिव्यू कैसा लगा, जल्दी से कमेंट कर दो और जल्दी बताओ कमेंट करके कि आपको इस बाइक का किस बाइक के साथ कंपैरिजन चाहिए। और अगर कोई सवाल है ना आपका इस बाइक को लेके तो मुझे वो भी बता दो यार, वो सवाल का जवाब आपको ज़रूर दूंगा मैं। मुझे तो ओवरऑल इस बाइक का लुक, इस बाइक की परफॉर्मेंस, इस बाइक के फीचर सब कुछ एक नंबर लग रहे हैं यार।